Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. It's me Wahiuddin, YouTube channel. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Fariha. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग तो आपके ही सपोर्ट से बहुत अच्छे हैं। तो मुबारक 11वीं शरीयत शुरू हो गई है आज से। तो हम लोग पहली 11वीं करने वाले हैं। तो आप लोगों को बताने के लिए हम लोग ये वीडियो निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग मीठे खाने की रेसिपी बताएंगे, उसके बाद हम लोग चौकी बिछाने वाले हैं, तो उसके बाद वो पढ़ के आपको सुनाएंगे। हाँ, ठीक है, चलो चलो फर्स्ट हम लोग मीठे खाने की रेसिपी शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए जाते हैं। बासमती राइस ले लिया है मैंने, 1 किलो के हैं, तो ग्लास से माप के ले ली हूँ। शक्कर डबल डालना रहता ना इसलिए, और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा धो के रख दिए तो फर्स्ट बहुत अच्छा बनता है खाना, चावल भीगे तो थोड़ी देर, इसलिए अच्छे से वॉश करके रख लेना है हम लोग। और इसमें पानी डाल के रखेंगे, ये अच्छा पानी पकने के बाद हम लोग इसमें चावल डाल देंगे। ये पूरे मखजियात हैं, घी है और काजू बादाम पूरे निकाल के हम लोग ऐसा रख लिए हैं। चावल भी अच्छे से भीग गए हैं ये, और अदहन भी आने वाला है, थोड़ा और पकना है। हम लोग इसमें चावल डाल दिए हैं और पकने वाला है खाना। थोड़ा सा ऑयल भी डाल देना है पहले, मैं आपको नहीं बता सकी, और पढ़ रहे सब जने थोड़ा बिजी है, वीडियो निकालने नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा ऑयल डाले सो नहीं निकाली है मैंने। थोड़ा सा ऑयल डालना है क्योंकि खाना अलग अलग हो जाता है चावल, इसको अच्छे से पकने देना है हम लोग। ऐसा बहुत अच्छा पकना है खाना, परफेक्ट एकदम पक जाना है, उसके बाद हम लोग इस छन्नी में निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल लेना है। फर्स्ट शक्कर ले लेते हैं हम लोग, पहले चावल मापे थे ना ग्लास से, वही गिलास से शक्कर भी माप लेना है हम लोग। तो 1 गिलास चावल को 2 गिलास शक्कर डालते हैं हमारे पास, थोड़ा मीठा रहने के लिए, और आप थोड़ा मीठा कम होना चाहिए तो 1-1 गिलास भी डाल सकते हैं, और हमारे पास तो 1 गिलास चावल को 2 गिलास शक्कर डालते हैं। इसमें थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, शक्कर बहुत अच्छा घुल जाती है इसमें। तो इसमें 2-4 इलायची डाल के अच्छे से पीस लेंगे हम लोग। इलायची डालने से थोड़ा अच्छी स्मेल आ जाती है खाने में, डाल देना है इसमें। और शीरा पकने वाला है और थोड़ा पकना है,
शीरा अच्छा पक गया है, इसमें चावल निकाल के रखे थे ना अपन, डाल देंगे इसमें और अच्छे से हिलाना है ये। इस तरीके से हिला के रखना है, थोड़ा नीचे दाग नहीं लगे जैसा, और ऊपर से कलर डाल देंगे हम लोग। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये उधर रख लेंगे। इधर हम लोग मुखिया तल लेंगे। ये काजू बादाम है और इसमें घी डालेंगे हम। घी डाल के अच्छे से तल लेंगे। प्योर घी है ये, घर में बनाए सो। उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई कार्ड पे भी है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो। ये गरम होने रख देंगे और खाना देखेंगे हम। अच्छे से पकने आ रहा है, मुखिया तल देना है। अब घी अच्छे से गरम हो गया है, काजू बादाम सब डाल के अच्छे से तलना है इसको। ये अच्छे तले जा रहे हैं, थोड़ी देर तो हो जाता। अच्छा हो गया है ये, तो इसको हम लोग भगोने में डाल देंगे। खाना भी अच्छा बन गया है, वाओ कितना अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो आप, कलरफुल बहुत अच्छा है। और भी थोड़ा शीरा है, थोड़ा शीरा रहा तो कुछ भी नहीं, इस पे बंद कर दे के रख देना है, बस इतना है। और फातिहा के लिए रख देना है अब। देखिए दोस्तों, खाना बन गया है, पूरी किताब पढ़ दिए हैं हम लोग, 4-5 डेज से पढ़ रहे हैं, पूरी किताब ख़त्म हो गई है और मीठा खाना भी बन गया है। फातिहा देने वाले हैं, सलाम पढ़ते हैं हम लोग, फातिहा देते हैं। और उसे पाक को कौन कौन चाहते हैं कि एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा दिखा तो आपको एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हो आप कितना अच्छा दिख रहा है नज़ारा ये, वाओ मीठा खाना, फ्रूट्स, जलेबी, बहुत अच्छा दिख रहा है, लाइट्स चमक रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। और हम लोग खाना खिलाने वाले हैं अब मीठे खाने की। देखे ना फ्रेंड्स, मीठे खाने की रेसिपी, ये हम किताब पढ़ते हैं, इसमें की किताब है ये, किताब पढ़े हैं हम लोग, नाता पढ़े हैं और सलामा पढ़े हैं हम लोग। हाँ। तो ऐसा ही करेंगे हम लोग घर पर ही। तो हम लोग गांव को जाने वाले हैं, गांव में और भी अच्छा करने वाले हैं हम लोग, झंडा चढ़ाते हैं, अच्छा बड़ा बकरा लाते हैं, तो बगारा खाना काले अच्छा बना के सब लोगों को खिलाते हैं, तो वहाँ पे और भी अच्छा करने वाले हैं, और भी अच्छा रहेगा। हमारा गांव भी आपको बताने वाले हैं, कितने जना हमारे गांव को देखना पसंद कर रहे हैं, छोटा सा कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो एक लाइक शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल पे नए होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिजियन टाटा, बाय बाय।
और एक बार सबको भी रोज़ेपा की 11वीं मुबारक हो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय।